नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का फर्स्ट इंडिया न्यूज में। मैं हूँ आपके साथ शिखा शर्मा। चलिए न्यूज प्लस खबरों की ओर रुख करते हैं। प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल की अवस्थाओं से एसीएस नाराज हुई हैं। फर्स्ट इंडिया की खबर के बाद आज एसएमएस अस्पताल पहुंची एसीएस शुभ्रा से। फर्स्ट इंडिया ने प्रसारित की थी अस्पताल की अवस्थाओं पर स्पेशल स्टोर। ट्रॉमा सेंटर समेत कई वार्डों में गर्मी से परेशान मरीज की पीड़ा बताई। इसके बाद मेडिकल एसीएस शुभ्रा सिंह ने एसएमएस अस्पताल का निरीक्षण भी किया। चरक भवन, इमरजेंसी और न्यूरोलॉजी वार्ड का एसीएस ने निरीक्षण किया है। एसीएस शुभ्रा सिंह ने कहा है कि हीटवेव को लेकर पहले ही निर्देश दे दिए, इसके बावजूद कोई इंतजाम नहीं किया गया। ये प्रशासनिक नाकामी है, ये चिंता की बात है। एक साल से कई टेंडर ही नहीं हुए। हमने चिकित्सा शिक्षा विभाग से एसएमएस से जुड़े सभी अस्पतालों में लगाए हैं नोडल ऑफिसर। अस्पताल प्रशासन को कंटिजेंसी प्लान बनाने के निर्देश दिए। तो इसलिए शुभ्रा सिंह, क्योंकि अब जिस तरह से गर्मी का आलम है तो चिंता की बात तो यह है कि एसी से जुड़ी खबर फर्स्ट इंडिया ने दिखाई थी। मरीज किस तरह से दर दर भटक रहे थे, परेशान हो रहे थे, और अब फर्स्ट इंडिया ने प्रसारित की थी अस्पताल की अवस्थाओं पर स्पेशल स्टोरी, जिसे एसी शुभ्रा सिंह भी नाराज थी। और नाराज होने के पश्चात अब वो खुद पहुंची थी एसएमएस अस्पताल और अवस्थाओं से नाराज एसी शुभ्रा सिंह ने कई बातें कही। उन्होंने कहा कि ट्रॉमा सेंटर समेत कई वार्डों में गर्मी से जो परेशान मरीज की पीड़ा हमने बताई थी। इसके बाद उन्होंने खुद अस्पताल का निरीक्षण किया। चरक भवन वो पहुंची, इमरजेंसी और न्यूरोलॉजी वार्ड तक पहुंची और उसका निरीक्षण किया। इसके बाद एसीएस शुभ्रा सिंह ने कहा कि हीटवेव को लेकर पहले ही तैयारी थी, उन्होंने निर्देश दे दिए थे, इसके बावजूद आखिरकार इंतजाम नहीं किए गए, ये प्रशासनिक नाकामी। चिंता की बात भी है क्योंकि एक साल से अस्पताल में कई टेंडर ही नहीं हुए। हमने चिकित्सा शिक्षा विभाग से एसएमएस से जुड़े सभी अस्पतालों में नोडल ऑफिसर लगाए। अस्पताल प्रशासन को कंटिजेंसी प्लान बनाने के निर्देश भी दिए। घोटालेबाज विश्वविद्यालय की जांच पर हर स्तर पर गड़बड़ झाला। छात्रवृत्ति घोटाले की जांच में सरकारी अफसरों ने महात्मा ज्योतिराव फूले को सबसे आगे पाया है। जांच में पाया गया है कि विश्वविद्यालय केवल सरकारी छात्रवृत्ति के लिए ज्यादातर प्रवेश दे रहा है। दो साल में 6,942 प्रवेश में से 5,234 विद्यार्थियों ने छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया है, जबकि प्रारंभिक जांच में 109 मामले पाए गए थे फर्जी तरीके से। छात्रवृत्ति लेने के जांच रिपोर्ट में महात्मा ज्योतिराव फूले विश्वविद्यालय के सभी केंद्रों पर जांच की सिफारिश भी हुई, लेकिन रसूखात के चलते नहीं करवाई गई कोई जांच। अब एक बार फिर से इन सब मामलों को लेकर सामाजिक न्याय विभाग जांच की तैयारी कर रहा है और एक बार फिर से जांच की तैयारी की जा रही है, क्योंकि हमने आपको बताया था इसको लेकर के भी कि घोटालेबाज विश्वविद्यालय की जांच में हर स्तर पर गड़बड़ झाला हुआ है। अब जब गड़बड़ झाला हुआ है तो फिर जांच की तैयारी हुई है। छात्रवृत्ति घोटाले की जांच में सरकारी अफसरों ने महात्मा ज्योतिराव फूले को सबसे आगे पाया। जांच में पाया गया कि विश्वविद्यालय केवल सरकारी छात्रवृत्ति के लिए ज्यादातर प्रवेश दे रहा है। दो साल में 6,942 प्रवेश में से 5,234 यानी कि आधे से भी ज्यादा विद्यार्थियों ने किया छात्रवृत्ति के लिए आवेदन। प्रारंभिक जांच में 109 मामले पाए गए थे फर्जी तरीके से। छात्रवृत्ति लेने के जांच रिपोर्ट में महात्मा ज्योतिराव फूले विश्वविद्यालय के सभी केंद्रों पर जांच की सिफारिश थी, लेकिन रसूखात के चलते कार्रवाई नहीं की गई और कोई जांच भी नहीं करवाई गई। अब एक बार फिर से इन सब मामलों को लेकर सामाजिक न्याय विभाग जांच की तैयारी में जुटा है। नकली और मिलावटखोरों के खिलाफ भजनलाल सरकार सख्त दिखाई दी। आज जयपुर के कुकरखेड़ा मंडी में 7,000 किलो घी को सीज किया है। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत खाद्य विभाग की कार्रवाई हुई है। खाद्य आयुक्त इकबाल खान, अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा के निर्देशन में छापा मारा है। कुकरखेड़ा मंडी सिकर रोड में रितेश एंटरप्राइजेस पर जांच अभियान चलाया गया और यहां से पालीवाल बालाजी और तिरुमला ब्रांड का 2,044 किलो घी, श्री फूड ट्रेंडिंग पर होम सारथी का नंद कृष्णा ब्रांड का करीब 4,000 लीटर घी और अजमेर में कोठारी एंड सन्स में डेयरी मिल्क, जबकि धेनु सरस ब्रजवासी ब्रांड का 800 किलो घी सीज किया गया है। टीम में रतन गोदारा, नरेंद्र शर्मा, नरेश चिजारा, पवन गुप्ता मौजूद रहे। अजमेर की टीम में
सुशील चोटवानी और अन्य उपस्थित रहे। इसी तरह जोधपुर में नंद कृष्णा ब्रांड का 120 लीटर घी सीज करवाया। वहीं जयपुर की सूरजपोल अनाज मंडी में 2470 लीटर सरसों का तेल सीज हुआ है, जबकि मैसर्स तांबी ट्रेंडिंग कंपनी के गोदाम में टैगोर मार्का सरसों तेल के नमूने लिए हैं। प्रथम दृष्टया तेल में मिलावट की आशंका है और देखते हुए इसी को सीज किया गया। खाद्य सुरक्षा विभाग के एक के बाद एक एक्शन से मिलावटखोरों में खलबली मची, और ये मचनी भी चाहिए क्योंकि आम जनता की सेहत के साथ सीधा खिलवाड़ है। लेकिन इस खिलवाड़ को रोकने की तैयारी जो खाद्य विभाग कर रहा है, बड़ी कार्रवाई की जा रही है। एक ही दिन में अलग अलग ठिकानों पर एक बार फिर आपको इस पूरे कार्रवाई से जुड़ी जानकारी दे देते हैं। नकली और मिलावटखोरों के खिलाफ भजनलाल सरकार सख्त है। आज जयपुर के कुकरखेड़ा मंडी में 7000 किलो घी को सीज किया गया। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत खाद्य विभाग की ये कार्रवाई हुई। खाद्य आयुक्त इकबाल खान थे, अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा थे, इनके निर्देशन में छापा मारा गया। कुकरखेड़ा मंडी सीकर रोड में रितेश एंटरप्राइजेस पर जांच अभियान चलाया गया। यहां से पालीवाल, फिर बालाजी और तिरुमला ब्रांड का 2044 किलो घी, श्री फूड ट्रेडिंग पर होम सारथी का नंद कृष्णा ब्रांड का करीब 4000 लीटर घी, जबकि अजमेर में कोठारी एंड सन्स में डेयरी मिल्क धेनु सरस ब्रिजवासी ब्रांड का 800 किलो घी सीज किया है। टीम में रतन गोदारा, नरेंद्र शर्मा, नरेश चेजारा, पवन गुप्ता मौजूद हैं। अजमेर की टीम में सुशील चोटवानी और अन्य उपस्थित रहे। इसी तरह जोधपुर में नंद कृष्णा ब्रांड का 120 लीटर घी सीज करवाया है। सूरजपोल अनाज मंडी में 2470 लीटर घी और सरसों का तेल सीज किया गया है। मैसर्स तांबी ट्रेडिंग कंपनी के गोदाम से टैगोर मार्का सरसों तेल के नमूने लिए हैं। प्रथम दृष्टया तेल में मिलावट की आशंका को देखते हुए सीज किया गया है। खाद्य सुरक्षा विभाग के एक के बाद एक एक्शन से मिलावटखोर कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं, खलबली मची। मिशन कर्मयोगी पोर्टल से जुड़ेगा कृषि विभाग। अब कृषि आयुक्त ने पोर्टल से जुड़ने के आदेश जारी किए। भारत सरकार के पोर्टल से जुड़ेंगे सभी अधिकारी और कर्मचारी। हर कर्मचारी को ऑनलाइन पोर्टल से रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा। लॉगिन के बाद पसंद का ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स भी करना होगा चयन। कृषि विभाग के सभी कर्मचारियों की मॉनिटरिंग भी की जाएगी। SEM रीपा होगा मॉनिटरिंग नोडल एजेंसी, जबकि सभी अधिकारियों को 3 दिन के भीतर पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के निर्देश। अधिकारियों के बाद कर्मचारियों को करवाना होगा रजिस्ट्रेशन। मुख्य सचिव स्तर पर भी लगातार पोर्टल की मॉनिटरिंग होगी, और अब देखिएगा मॉनिटरिंग करने की तैयारी है। इसको लेकर के भी कृषि विभाग के सभी कर्मचारियों की मॉनिटरिंग की जाएगी, ऐसी जानकारी मिल रही है। ट्रेनिंग कोर्स भी करना होगा। भारत सरकार के पोर्टल से जुड़े जो भी और जोड़ने के आदेश जारी किए हैं, भारत सरकार के पोर्टल से जुड़ेंगे सभी अधिकारी और कर्मचारी। देखिए, मिशन कर्मयोगी पोर्टल से अब कृषि विभाग भी जोड़ेगा। कृषि आयुक्त ने पोर्टल से जुड़ने के आदेश जारी किए हैं। भारत सरकार के पोर्टल से जुड़ेंगे सभी अधिकारी और कर्मचारी का। हर कर्मचारी को ऑनलाइन पोर्टल से कराना होगा रजिस्ट्रेशन। इसके पश्चात लॉगिन के बाद पसंद का ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स भी चयन करना होगा। कृषि विभाग के सभी कर्मचारियों की मॉनिटरिंग भी की जाएगी। HCM सीपा रीपा होगा मॉनिटरिंग नोडल एजेंसी, जबकि सभी अधिकारियों को 3 दिन के भीतर ही पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के निर्देश भी दिए। अधिकारियों के बाद कर्मचारियों को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। मुख्य सचिव स्तर पर लगातार होगी पोर्टल की मॉनिटरिंग। चलिए अब रुख करते हैं न्यूज ब्लास्ट खबरों का। तो राजस्थान में इमरजेंसी सेवाएं बेकरार। भीषण गर्मी के बीच प्रदेश में जारी है भारी कटौती का साइड इफेक्ट। मांग और सप्लाई के अंतर को पाटने के लिए अघोषित कटौती हो रही है। लोड डिस्पैच सेंटर से 220 केवी GSS को कटौती के आदेश दिए जा रहे हैं। इस मनमाफिक कटौती से अस्पतालों से कनेक्ट फीडर भी अब प्रभावित हुए। अकेले जयपुर में रोजाना 100 से अधिक अस्पतालों में ऐसे हालात हैं, जबकि OT से लेकर ICU और वार्डो में मरीज बिजली कटौती से हल्का। राजधानी के कई अस्पताल बिजली अभियंताओं से आग्रह भी कर चुके हैं, साथ ही हाई लेवल तक पहुंचा है, अपनी शिकायतें पहुंचाई हैं, लेकिन कटौती के इस पैटर्न से उन्हें कोई राहत नहीं मिल पा रही है। और कटौती की चर्चा लगातार हो रही है, क्योंकि एक तरफ जहां भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं, तो ऐसे में भीषण गर्मी के बीच प्रदेश में कटौती का साइड इफेक्ट चल रहा है और इमरजेंसी सेवाएं अब बेकरंट।
मांग और सप्लाई के अंतर को पाटने के लिए अघोषित कटौती हो रही है, क्योंकि मांग काफी बढ़ गई है। और मांग भी आपको बता देते हैं, 3600 लाख यूनिट से भी ज्यादा की मांग है। अब इस मांग को पूरे करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और ऐसे में लोग परेशान हैं। लोड डिस्पैच सेंटर से 220 KV GSS को कटौती के आदेश दिए जा रहे हैं। इस मनमाफिक कटौती से अस्पतालों से कनेक्ट फीडर भी प्रभावित है। अकेले जयपुर की बात करें तो रोजाना 100 से अधिक अस्पतालों में ऐसे हालत है। OT से लेकर ICU और वार्डो में मरीज बिजली कटौती से हल्का। राजधानी के कई अस्पताल बिजली अभियंताओं से आग्रह भी कर चुके हैं, साथ ही हाई लेवल तक पहुंचा चुके हैं अपनी शिकायतों को, लेकिन कटौती के इस पैटर्न से उन्हें कोई राहत ही नहीं मिल पा रही। और बिजली डिमांड बड़ी है और ऐसे में भीषण कटौती के बीच रिकॉर्ड तोड़ रही है बिजली डिमांड। प्रदेश में बिजली आपूर्ति से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। कटौती के बावजूद मई के दूसरे पखवाड़े में 500 लाख यूनिट बढ़ी है आपूर्ति। 15 मई को जहां 3178 लाख यूनिट बिजली की जनता को सप्लाई की गई, जबकि 22 मई को फीड में आपूर्ति की गई 3575 लाख यूनिट बिजली, वो भी तब जबकि करीब 60 से 70 लाख यूनिट बिजली की कटौती। एक दिन में सर्वाधिक बिजली आपूर्ति का आंकड़ा है 3715.87 लाख यूनिट। गर्मी के यूं ही तेवर रहे तो फिर जल टूट सकता है 4 सितंबर 2023 का भी रिकॉर्ड। अच्छा, ये आज के लिए न्यूज ब्लास्ट खबरों में बस इतना ही। आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें फर्स्ट इंडिया न्यूज।